चलिए तो खबरों पर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनावी राज्यों के दौरे पर है। आज सीएम बघेल पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां उन्होंने चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया है। पंजाब में अवैध खनन में ईडी के रेड को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा है कि इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश से कालाधन खत्म हो गया है, तो फिर ये कालाधन कहां से आया। इस दौरान सीएम बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक की भी चर्चा की है। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो पंजाब के दौरे पर थे, उससे पहले वो उत्तराखंड के दौरे पर भी गए थे, जहां पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। इसी दरमियान उन्होंने मीडिया से भी रूबरू हुए थे और इसी कड़ी में अब पंजाब में भी चुनाव है, चुनाव भी बेहद ज्यादा करीब है और सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंजाब में उन्होंने जनता से मुलाकात भी की है, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और वक्त कम है और ऐसे में पार्टी भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी दरमियान सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से मुखातिब भी हुए, इस दरमियान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। और आपको बता दें कि पंजाब के दौरे पर इस दरमियान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता से मुलाकात की और अपने हक में वोट डालने की जनता से अपील भी की है। रोजगार की महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि 1 रुपया भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया। नियत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो, तो उसके लिए दो काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है, तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी, एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है, जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। तो ये आज के विषय था जिसके बारे में मैंने चर्चा की।